आओ बच्चों, आज हम सीखेंगे कक्षा दूसरी विषय हिंदी लेसन सच्ची लगन। देखो, सच्ची लगन इस घटक में आज हम देखने वाले हैं। अध्यापक अपने बच्चों को कक्षा में महापुरुष, शहीद जवान, वैज्ञानिक एवं नेताओं के रोमांचक प्रसंग सुना रहे थे। अध्यापक महापुरुष मतलब जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। शहीद जवान हमारा देश पर बॉर्डर पर लड़ते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, वो लोग शहीद, है ना, शहीद जवान। और वैज्ञानिक जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने हमारे देश को प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान के नए नए प्रयोग लगाए, नए नए संशोधन किए, है ना। और नेता कैसे रोमांचक प्रसंग कक्षा में अध्यापक सुना रहे थे। और अध्यापक अपने बच्चों से पूछते हैं, देखो क्या पूछते हैं कि देखो ये नेताओं ने आगे बढ़कर ऐसे कुछ काम किए, ऐसे तुम क्या बनना चाहते हो, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। तो उसी कक्षा में बैठा हुआ एक मनीष कहता है, गुरुजी मैं तो डॉक्टर बनूँगा और बड़ा होकर गरीबों का मुफ्त में इलाज करूँगा। देखो ये बोलने पर तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं। वो मनीष से कहते हैं, तुम्हारी सोच तो बहुत बढ़िया है, मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा, ज़रूर तुम एक दिन कामयाब होगे। फिर अध्यापक सलीम से पूछते हैं, बेटा सलीम तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। तो सलीम कहता है, मैं तो इंजीनियर बनूँगा और इंजीनियर बनकर नए नए यंत्र बनाऊँगा और देश को समृद्ध बनाऊंगा। हमारे देश को समृद्ध करने के लिए नए नए यंत्रों की ज़रूरत है और नए नए यंत्र बनाकर मैं हमारे देश को समृद्ध, हमारा देश आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। अब बारी आती है पारुल की। अध्यापक पारुल से पूछते हैं, पारुल बेटा तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो। पारुल तो पहले शर्मा जाती है और कहती है, गुरुजी मैं तो शिक्षिका बनूंगी। क्या बनूंगी, गुरुजी मैं तो शिक्षिका बनूंगी, जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें मैं पढ़ाऊंगी, जो पढ़ने लिखने से दूर है, अनपढ़ है, उन्हें मैं बड़ी होकर शिक्षिका बनकर मैं पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। देखो अंत में बारी आती है वैभव की। जब गुरुजी वैभव से पूछते हैं, वैभव तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे, तो वैभव तो सोच में पड़ जाता है और फिर साहस करके गुरुजी से बोलता है, गुरुजी मैं तो सेवक बनूंगा, सॉरी समाज सेवक बनूंगा, चाहे जनता चाहे तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा और जीत गया तो मंत्री बनूंगा और देश की तन मन लगाकर सेवा करूंगा। वैभव क्या बनना चाहता है, समाज सेवक। समाज सेवक बन के वो इस देश की जनता की क्या करना चाहता है, उस समाज सेवा करना चाहता है, है ना। तो गुरुजी कहते हैं, शाबाश बच्चों, आपकी सोच तो बहुत बढ़िया है, तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाकर, पढ़ाई मन लगाकर करना, तुम एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगी। देखो इस कहानी से गुरुजी सारी कक्षा से कहते हैं, जो लोग अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं उन्हें अवश्य सफलता मिलती है और इच्छा भी पूरी होती है। जो कुछ हमारी इच्छा होती है ना बड़ा होकर बनने की, ये बनने के लिए हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य के ऊपर ध्यान देकर हमें काम करना है तो सफलता आपे आप हमें मिल जाएंगी, है ना। देखो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो लक्ष्य है हमारा उसको क्या करना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देकर हमें परिश्रम करना चाहिए और जब हम परिश्रम करेंगे तो सफलता हमें आपे आप मिल जाएंगी। तो इसका मतलब परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम किए तो हमें सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।